क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान इस पृथ्वी पर ना होते तो हमारी यह पृथ्वी कैसी होती। तो चलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इस पृथ्वी पर एक भी इंसान ना हो तो हमारी पृथ्वी कैसी होने वाली है। सबसे पहले तो पृथ्वी पर मौजूद सारे आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस खत्म होंगे, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी पावर स्टेशंस हैं वो सारे फॉसिल फ्यूल्स की मदद से ही चलते हैं, और इन सब पावर स्टेशंस को मेंटेन करने के लिए उस समय इंसान तो मौजूद ही नहीं होंगे। हालांकि उस समय तक भी विंडमिल्स तो अपना काम करती रहेंगी, मगर सोलर पैनल भी काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। 48 घंटे बाद पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधेरा छा चुका होगा। इंसानों के द्वारा बनाया गया मेट्रो सिस्टम पानी में जा चुका होगा, क्योंकि टनल्स और मेट्रो को सूखा रखने के लिए पंप्स को इंसानों के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। कुछ हफ्तों के बाद ही हमारे पालतू जानवर फूड की कमी के चलते मारे जाएंगे। हालांकि ये तो दोस्तों अभी बस शुरुआत थी, इसके कुछ समय बाद तो जीवों के लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि समय के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए वाटर सप्लाई जरूरी है, लेकिन उस समय तो ये सब संभव ही नहीं होगा। और यही वजह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते आसपास में मौजूद करोड़ों जीव रेडिएशन के चलते मारे जाएंगे। मेंटेनेंस ना होने के चलते ही गंदा पानी नदियों और समुद्रों में मिल जाएगा, एटमोस्फेयर पूरी तरह से गंदा हो चुका होगा। 3 से 4 सालों के बाद ही पृथ्वी के जानवर उल्कापिंड को पृथ्वी पर गिरता हुआ देख पाएंगे, लेकिन यार वो कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि इंसानों के द्वारा ही बनाए हुए सैटेलाइट होंगे, जो एक एक करके पृथ्वी पर गिरने लगेंगे। 25 से 30 सालों के बाद इंसानों के द्वारा की गई रेडिएशन और पोल्यूशन जैसी चीजें पृथ्वी से पूरी तरह मिट चुकी होंगी। राजस्थान, इजिप्ट, लास वेगास और दुबई, जो कि रेगिस्तान पर बसे हुए हैं, इसीलिए ये सारे देश और शहर धीरे धीरे अपनी नेचुरल फॉर्म में वापस जाने लगेंगे, और एक बार फिर से कुछ सालों के बाद ये पूरी तरह से रेगिस्तान बन चुके होंगे। पृथ्वी पर 300 सालों के बाद मैन मेड स्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे, जैसे कि लंदन ब्रिज और आइफल टावर जैसी कमाल की मैन मेड स्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुकी होंगी। इसके साथ ही बिल्डिंग्स भी मेंटेनेंस ना होने के चलते ही बर्बाद होती जाएंगी। उस समय तक बर्बादी का आलम ये होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के गिरने से समुद्रों में जमा हुआ पानी पूरी तरह से फैलना शुरू होगा, जिसके चलते समंदर के जीवों की गिनती हर जगह बढ़ने वाली है। 1000 साल के बाद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर होगी। हालांकि पिरामिड्स को खत्म होने में 1 साल का समय लगेगा, और वहीं पर इंसानों के द्वारा फैलाई हुई गंदी प्लास्टिक को भी खत्म होने में 50,000 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 10 करोड़ साल के बाद इंसानों की सभी चीजें पृथ्वी से खत्म हो चुकी होंगी, और जिस तरह से हम आदि मानव से मॉडर्न साइंस तक एवोल्यूशन कर पाए हैं, उसी तरह से पृथ्वी पर कोई और नया जीवन चक्कर शुरू होगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर करना, और अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।